और बरेली में नगर निकाय वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पार्षदों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। पार्षदों से जनता तक सरकार की योजनाओं को ले जाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो लोग भी इस कार्यक्रम से प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं, वह जनता तक सरकार की योजनाओं को ले जाने का काम करेंगे। घोसी उपचुनाव पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि घोसी में भाजपा की एकतरफा जीत हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा भाजपा पर बढ़ रहा है, सरकार सबका साथ सबका विकास पर लगातार काम कर रही है। प्रशिक्षण वर्ग में समाहित करके उनको क्षेत्र में जनता के बीच में किस ढंग से काम करना है, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रशिक्षित करके जनता की सेवा के लिए तैयार करने का काम करती है। ऐसे अवसर पर मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, वहां कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है।